सभी मांसपेशी समूहों की नियमित ट्रेनिंग कारीगरों को दी जानी चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का पहुंच में होना सुनिश्चित करें। विशेषज्ञों की मदद पहुंचने से पूर्व दुर्घटना स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराएं। कारखाने में पर्याप्त संख्या में प्रथमोपचार पेटी की उपलब्धता होनी चाहिए। शिल्पकारों और उनके परिवारों को आर्थिक कारणों से छोटे छोटे मकानों या गंदगी इत्यादि की स्थिति में रहना पड़ता है। वो अपने सही खान पान का ध्यान नहीं रख पाते। इन कारणों से भी उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है। हम सब आशा करते हैं कि भारत की गौरवशाली शिल्प कलाओं को शिल्पकारों की आने वाली पीढ़ियां भी अपनाएं। इसके लिए सम्मान देकर उन्हें सशक्त बनाना होगा, साथ ही साथ उनके काम का सही मूल्यांकन करना भी जरूरी है, ताकि वो और उनके परिवार अपनी शिक्षा और सेहत का सही ध्यान रख सकें। भारतीय हस्तशिल्पकार राष्ट्र का अभिन्न अंग हैं, लेकिन इनकी सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं इस उद्योग के दुखद भागों में से एक है। अगर हम कोशिश करें तो हम इनका सशक्तिकरण कर सकते हैं। आज ज़रूरत है भारत के हस्तशिल्पकारों को मदद और बढ़ावे की, वरना देखा जा रहा है कि अपनी आजीविका के लिए वो किसी अन्य व्यवसाय में हस्तशिल्पों को छोड़कर जा रहे हैं। वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार और विकास आयुक्त हस्तशिल्प द्वारा हस्तशिल्पकारों के आर्थिक और सामाजिक विकास और स्वास्थ्य वर्धन के लिए कई तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। फैक्ट्री एक्ट के तहत शिल्पकारों व कारीगरों के कार्यस्थल पर सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। हस्तशिल्पकार स्वयं या जहां काम कर रहे हैं उस जगह फैक्ट्री का प्रशासन इन बातों का ध्यान रखे। इससे वे न सिर्फ लंबी स्वस्थ आयु पा सकेंगे, बल्कि अपने और परिवार के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण का भी ध्यान रखेंगे और कलात्मक कार्य करके अपनी और देश की उन्नति का भी साधन बनेंगे। फैक्ट्री में कर्मचारियों की उम्र सेवा के लिए कानून के अनुसार कम से कम 14 वर्ष होनी चाहिए। फैक्ट्री में कार्य समय प्रतिदिन मानदंड 8 घंटे, प्रति हफ्ता मानदंड 48 घंटे। महिला कर्मचारियों को साधारण रूप से शाम के 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक सेवा नियुक्त नहीं करना चाहिए। शिशुओं को स्तनपान देने वाली माओं को शिशु के 15 माह का होने तक प्रतिदिन 15 मिनट के 2 मध्यांतर या ब्रेक वेतन सहित देने चाहिए। गर्भवती महिलाएं हल्के काम के लिए अनुरोध कर सकती हैं। फैक्ट्री में यंत्र एवं रसायनों का सुरक्षित उपयोग। फैक्ट्री में प्रशासन जहां आवश्यक है प्रशासन कारीगरों को व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराएगा। प्रशासन को सुनिश्चित करना होगा कि यंत्र सामग्री सुरक्षित है और उचित रूप से संरक्षित है। सभी विद्युत यंत्र ढककर रखे जाएंगे या संरक्षित रखे जाएंगे। प्रशासन कर्मचारियों की आंखों को क्षति होने से और धूल, गैस, ज्वाला और बर्फ से सुरक्षित रखेगा। प्रशासन इमारत और यंत्र सामग्री को इस प्रकार से रखेगा कि उनसे मानव जीवन की सुरक्षा प्रभावित नहीं होगी। उत्पादन प्रक्रिया में रासायनिक एवं विषैले पदार्थों का कम से कम प्रयोग करना चाहिए। कारखानों में जहां पर खतरीले साबित होने वाले रसायनों का प्रयोग होता है, उनके नजदीक पर्याप्त और स्वच्छ पानी का प्रबंध किया जाना चाहिए। पर्यावरण को रसायनों, तेज आवाज या धुएं द्वारा दूषित नहीं किया जाएगा। आग से सावधानियां। फैक्ट्री में आग लगने से बचाव के लिए प्रशासन आवश्यक सावधानियां बरतेगा। आग लगने पर सभी कर्मचारियों को बच निकलने के लिए प्रशासन आपातकालीन मार्ग उपलब्ध कराएगा और उन्हें सुस्थिति में रखेगा। आग बुझाने के लिए आवश्यक उपकरण तथा सुविधाएं प्रशासन द्वारा उपलब्ध की जाएंगी और उन्हें सही हालत में रखा जाएगा। एक दुर्घटना बही रखनी चाहिए। स्वास्थ्य एवं कारखानों का पर्यावरण।
कारखाना साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित रखा जाएगा। हर कर्मचारी के लिए पर्याप्त यानी कम से कम 15 घन मीटर जगह होनी चाहिए। पर्याप्त बिजली व्यवस्था, तापमान नियंत्रण उपलब्ध किया जाना चाहिए। कूड़ा कचरा और उपयोग में नए आने वाली वस्तुएं फैक्ट्री में नहीं होनी चाहिए। कर्मचारियों को स्वच्छ पीने का पानी सहज उपलब्ध होना चाहिए। कारखाने में गर्मी के मौसम में ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए। काम की जगह पर पर्याप्त प्रसाधन सुविधा उपलब्ध कर उन्हें साफ सुथरा तथा आरोग्यदायक स्थिति में रखना चाहिए। पुरुष और महिलाओं के लिए अलग कक्ष व शौचालय होने चाहिए। पर्यावरणात्मक व्यवस्थापन। फैक्ट्री में चल रही गतिविधियों से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाली चीजें उत्सर्जित नहीं या नकारात्मक मात्रा में उत्सर्जित होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कोई भी विषैली या प्रदूषित पदार्थ को प्रवाह में, कुओं में, गटरों में या जमीन पर किसी भी रूप में जाने नहीं देगा। हस्तशिल्पकारों के लिए सुरक्षा नीतियाँ। सरकार द्वारा बनाई गई योजनाओं में कारीगरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्वास्थ्य और सुरक्षा नीतियाँ लागू की गई हैं। हस्तशिल्प कारखानों को आपातकाल यंत्रों, अलार्म, इंटरकॉम, टेलीफोन, फायर एक्सटिंग्विशर्स, प्राथमिक उपचार पेटी की व्यवस्था के साथ साथ भूकंप, रासायनिक त्रासदी जैसी आपातकालीन स्थितियों के समय कारीगरों के लिए सुरक्षित मार्गों का प्रावधान अनिवार्य है। कारीगरों को चोटों से बचने के लिए दस्तानों, गमबूट्स और आंखों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चश्मे मुहैया कराना आवश्यक है। विशेष रूप से ग्लास कारखानों, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने की इकाइयों में हस्तशिल्प कारीगरों को सांस संबंधी घातक रोगों से बचाने हेतु उचित वेंटिलेशन के साथ मास्क और फिल्टर प्रदान किया जाएगा। हस्तशिल्प कारीगरों की दृष्टि पर तनाव को कम करने के लिए समुचित प्रकाश की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षात्मक उपकरणों से लैस इकाइयों में साफ पानी, समुचित स्वच्छता सुविधाएं और स्वीकार्य स्तर का शोर करने वाली मशीनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। संगठन द्वारा नियोजित अधिकारी कारीगरों को होने वाली किसी भी प्रकार की शारीरिक क्षति की जानकारी उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए तथा कारीगरों की देखभाल के लिए जिम्मेदार होगा। कारीगरों को भारी मशीनों और तेज धार वाले उपकरणों के साथ काम करने और देखभाल और सुरक्षा के बारे में विशेषज्ञों के द्वारा उचित प्रशिक्षण दिया जाएगा। इंश्योरेंस या बीमाकरण। इसके अतिरिक्त शिल्पकार और उनके परिवार सरकारी संस्थाओं, स्वयंसेवी संस्थाओं या गैर सरकारी संस्थाओं की सहायता से जनश्री बीमा योजना व राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना के द्वारा आपातकालीन स्थितियों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकते हैं। साथ ही शिल्पकार विकास आयुक्त द्वारा नियोजित अस्पताल में कैशलेस सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है, जिसमें शिल्पकार को 7,500 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, जिससे शिल्पकार नियोजित अस्पताल की ओपीडी सेवाओं का लाभ सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। इन योजनाओं के तहत शिल्पकार को व्यक्तिगत दुर्घटना के समय या मौत होने पर उनके परिवार को 1,00,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जा सकती है। बड़े कारखानों व इकाइयों में कारीगरों को नीति अनुसार स्वास्थ्य व कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिलता है। स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कई बार सरकार की मदद से मेडिकल कैंप लगाए जाते हैं, जिनमें उनके शारीरिक स्वास्थ्य व बीमारियों की जल्द पहचान के लिए जाँच की जाती है। वस्त्र मंत्रालय द्वारा चलाई गई स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की जानकारी अवश्य लें और उनका लाभ उठाएं। अपने हाथों के हुनर को ठीक तरह से दुनिया में दिखाने के लिए तन और मन का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। इसके लिए धन की नहीं, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी, जरूरत पड़ने पर उपचार और सही सुझावों का हर समय पालन करने से ही हम अपनी और अपने परिवारों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकेंगे। इसी आशा, विश्वास और शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। स्वस्थ और सुरक्षित शिल्पकार।
समृद्ध राष्ट्र का आधार।